हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले बताएंगे आज के शो में क्या है खास। यूट्यूबर ने किया बहुत घिनौना काम, हो गई FIR। शीतल देवी का मजाक उड़ाया था, अब क्या जेल होगी। बेंगलुरु से आ गया एक और अलबेला सा वीडियो और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे सबसे ज्यादा अनोखी घड़ी। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी दिख जाती हैं कि मन घिना जाता है। ऐसी ही एक खबर आई, खबर थी तमिलनाडु की। यहाँ के एक यूट्यूबर ने कुछ ऐसा किया जिसके कृत्य को जिसने सुना उसका दिल दहल गया। रघु यूट्यूबर नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो अपलोड किया गया। वीडियो को कैप्शन दिया गया, जलीकट्टू के लिए तैयार। इस वीडियो में एक बैल को कुछ लोग पकड़े हुए हैं और एक इंसान उसे जिंदा मुर्गा खिला रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया में 22 दिसंबर 2023 को अपलोड किया गया था। इसके बाद पीपल फॉर कैटल नामक संगठन चलाने वाले पशु कल्याण कार्यकर्ता अरुण प्रसन्ना ने ये वीडियो देखा और इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। अरुण ने कहा कि दो लोग बैल को उसकी जींग से पकड़े हुए हैं और जबकि तीसरा मुर्गे को जबरन उसके मुंह में डाल रहा है। कल्पना कीजिए उस मुर्गे को कितना दर्द हो रहा होगा जिसे जिंदा चबाया जा रहा है, और वो बैल जो शाकाहारी है उसे कैसा लग रहा होगा। केस कर दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू है। उम्मीद करते हैं ऐसा घटिया काम करने वाले न सिर्फ पकड़े जाएंगे जबकि बल्कि उनको ऐसा सबक मिलेगा कि आगे कोई कभी व्यूज के लिए ऐसी हरकत न करे। सोशलिस्ट के इस एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि कैसे कुछ लोगों ने पैरालंपिक खेलों में देश का नाम रोशन करने वाली शीतल देवी का मजाक उड़ाया था। उसी मामले पर एक नया अपडेट है। एक यूजर उसी मीम और FIR की कॉपी की तस्वीर लगाते हुए लिख रहे थे, अब ये अच्छा नहीं है, और ये तंज था उस यूजर नेम पे, उस ट्विटर अकाउंट पे जिसने वो मूल घटिया ट्वीट किया था। इस ट्वीट के नीचे एक यूजर ने लिखा कि अपने ही देश के लोग प्राउड फील करवाते हैं, उन पर डैंक नहीं बनना था भाई। एक यूजर ने लिखा कि मोय मोय हो गया इसके साथ। हालांकि कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे। जैसे एक यूजर ने लिखा कि इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच से बड़ा जोक कुछ नहीं है। एक और ट्वीट था जिसमें लिखा था कि इस देश में इतने फालतू लोग हैं, मीम क्रिएटर पे FIR करके खुश हो जाते हैं। एक ट्वीट में लिखा गया कि एक इंसान सच में जेल जा सकता है केवल एक नाबालिग पर जोक करने के लिए, जबकि ब्रजभूषण सिंह जिन्होंने कथित तौर पर नाबालिग पहलवानों से छेड़छाड़ की थी आज़ादी के साथ जी रहे हैं। ये बुरा लगने वाला, असंवेदनशील है, लेकिन इसमें FIR और गिरफ्तारी जैसी कोई बात नहीं है। मजाक करना ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लाइन क्या है। एक नाबालिग पर जो दिव्यांग है, जिसने देश का नाम ऊंचा किया, रोशन किया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो रही है, उन पर ऐसा जोक करना कहाँ ठीक है। कल शनिवार है, वीकेंड आया, घूमने फिरने का प्लान आपने बना ही लिया होगा। कोई पिक्चर विक्चर देखने का प्लान बनाया नहीं। हम मूवी देखने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेंगलुरु में कोई सुबह 4 बजे फिल्म देखने पहुंचा। वहां देखा कि एक बंदा लैपटॉप खोल के ऑफिस का काम निपटा रहा है। देखिए वीडियो, पीक बेंगलुरु मोमेंट। किसी ने वीडियो के नीचे कमेंट किया, लिखा, बेंगलुरु में बहुत सारे पार्क और गार्डन्स हैं, मनोरंजन के लिए बने, थिएटर के अंदर दिखावा करने के बजाय वहाँ कहीं जाकर शांति के साथ काम किया जा सकता था। जिस पर ओरिजिनल पोस्ट करने वाले ने लिखा कि सुबह 4 बजे का शो था, किसी मेल का रिप्लाई या कोई थोड़ा बचा काम भी हो सकता है। वी डोंट नो, सो इट्स ओके आई गेस। यूट्यूब पर हैं तो मेक जोक ऑफ को तो जानते ही होंगे। मजेदार एनिमेशन और तगड़ी कहानी के साथ बनी ये वीडियो क्या सही मजे कराते हैं। स्क्रिप्ट, डायलॉग, स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा सही कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम तो MGAO के वीडियोज देख डालता हूँ मैं भी। इन वीडियोज के क्रिएटर का चेहरा किसी ने नहीं देखा। इनके फैंस पूछते रहते हैं कि इनका फेस रिवील कब होगा। इसी पर बात करते हुए MGAO के सौरभ शुक्ला ने कुछ कहा है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, देखिए। यार, बहुत दिन से एक बात थी मन में, वो बताना चाह रहे हैं हम। बस इतना बताना चाहते हैं कि अगर कभी धोखे में ऐसा हो जाए कि कोई फोटो लग जाए फिल्टर वाली या किसी की फेस की और वो लड़का हो 24-25 साल का, तो अभी से बता दे रहे हैं कि वो हम नहीं, वो सौरभ शुक्ला नहीं है। बस धन्यवाद। बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे सबसे ज़्यादा डर इस बात का रहता था कि कहीं बारिश ना हो जाए। अगर पानी बरस जाता था तो श्रद्धा कपूर भले ही खुश हो जाए, हम लोग उदास हो जाते थे क्योंकि पिच गीली हो जाती थी। खैर, एक रील दिखी जहाँ लड़कों ने इस आपदा को अवसर बना लिया, देखिए वीडियो। इंसान लगाता है दिमाग, फिर उस दिमाग से कितना कुछ कर जाता है। मैं इधर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ी देर बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे। ये सब हुआ दिमाग के कारण। इंस्टाग्राम में एक रील दिख गई, यहाँ लोगों ने दिमाग लगाया और डॉग से ही सामान ढुलवा रहे हैं। यहाँ लोग नारायण मूर्ति की बात पर अमल नहीं कर रहे हैं, बेचारे डॉगी से 70 घंटे काम करवाया जा रहा है। आप तो वीडियो देखो।
सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में बात एक ऐसी घड़ी की जो डिजिटल और एनालॉग जैसे टर्म्स में नहीं बनती। ये घड़ी इंस्टाग्राम में शिवराज चौहान नाम की यूजर ने बनाई है। ये घड़ी डिजिटल भी एनालॉग भी है, आप तो देखो घड़ी। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, चलते हैं, मुलाकात होगी सीधे सोमवार को, तब तक के लिए टाटा।